हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मॉडलर रूडर की एवं फैब्रिकेशन में। और जैसा कि आप ये मेरे सामने देख रहे हैं, ये दो वुडवर्किंग रूटर रखे हुए हैं। जो भी हमारे कारपेंटर भाई हैं उनको अच्छी तरह पता है कि वुडवर्किंग के काम में रूटर का कितना अहम रोल होता है। हमारे देश में इंडिया में वो 1500 से लेके और ऊपर जितना मर्जी आप ले लो, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, फिर उसके बाद बड़ी मशीन आ जाती हैं रूटर में। और ये हैंडी रूटर हम इसको बोलते हैं। तो आज जो रूटर मेरे सामने रखे हैं ना, ये कि कौन सी कंपनी का ये रूटर है, और जिन लोगों ने भी ये इस कंपनी का रूटर इस्तेमाल किया है, कोई भी टूल्स इस्तेमाल किया है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये कैसी कंपनी है और कितने दमदार और टिकाऊ टूल्स ये कंपनी बनाती है। दोस्तों, ये कोई विदेश की कंपनी नहीं है, कोई फॉरेन की कंपनी नहीं है, बल्कि ये हमारे ही अपने देश की, इंडिया की कंपनी है। सबसे पहले इंडिया में अगर वुडवर्किंग रूटर किसी ने मैन्युफैक्चर किया, किसी इंडियन कंपनी ने, तो वो इंडिको ने मैन्युफैक्चर किया है। और बहुत दमदार मशीन है जी, मैं कहूँ भाई साहब, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हमने जो है बहुत बड़ी कंपनियों का भी रोटर इस्तेमाल किए हैं, जैसे बॉश हो गया, मकीता वगैरह हो गया, मकीता के हो गए या बॉश के हो गए या हिटाची के हो गए। 10,000 रुपये से ऊपर ऊपर की मशीनें आती हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो काम आपका वो 10,000-20,000 की मशीन करेगी ना, ये 4,500 रुपये का रोटर आपको परफॉर्मेंस देगा। दोस्तों, ये हमारी लुधियाना की कंपनी है एंडिको। इसके रूटर जो है, जो हमारा एरिया है ना, जो हमारा एरिया उसमें बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास दो वुडवर्किंग रूटर रखे हुए हैं। इसके दो मॉडल आते हैं, 8 mm में आता है और एक 12 mm, 8+12। ये दोनों 8 mm के हैं, ठीक है। 12 mm का इसमें कोई भी नहीं है, 8+12 का। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका जो डिजाइन है रूटर का, ये आप देख रहे हैं, ये शोकर वाला डिजाइन है। आपको दिखा दूं, ये देख रहे हैं आप, इसमें शोकर है, ठीक है। इसकी जो एडजस्टिंग होती है, इसमें शोकर है, ये जो है आप देख रहे हैं, ये इसकी एडजस्टिंग यहाँ से होती है, ठीक है, यहाँ से होती है। और ये जो है, ये चुटकी है इसकी, जो भी इसको हम ऐसे अपना इसको सेट कर सकते हैं। मैंने और भी मेरे पास लोकल कंपनी के भी रूटर हैं, तो हमने एक तरफ से सेट कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ से क्या है ना कि ये ऐसे ऊंचा नीचा रह जाता है। इसमें क्या है ना, अगर एक तरफ से हमने सेट कर दिया तो ये दूसरी तरफ से ऊंचा नीचा रहता ही नहीं है, बिल्कुल सेट इसका जो है ये प्लेट चलती है, रहती है, ठीक है। उसके बाद में इसको हमें टाइट करना पड़ता है थोड़ा सा, इसलिए कि अगर हम इससे जब काम करें तो इस पर जब प्रेशर पड़ेगा तो ये कहीं दब ना जाए, ठीक है, उससे हमारा काम खराब ना हो जाए। और इसको हम ऐसे करके रखते हैं, एक बार आप देख लीजिए, ये ठीक है, नहीं इसमें बिट लगी हुई है, ठीक है। और एक हो गया ये डिजाइन, ठीक है दोस्तों, ये होती हैं, ठीक है, इसी से ये सेट होता है, ठीक है, इसी से ये अप डाउन होता है। और इसको हम अप डाउन कर सकते हैं, तो ऊपर नीचे जो है यहाँ से भी ये थोड़ा लूज करेंगे, और उसके बाद हम इसको ऊपर जहाँ भी हमें जो भी इसकी सेटिंग बनानी है वो कर सकते हैं सेट वहीं पे, इसको जैसे भी हमारा जहाँ भी मेजरमेंट आएगा। और ये भी डिजाइन बहुत बेहतरीन है, दोनों सेम, ठीक है, पावर दोनों की सेम है, लेकिन बस डिजाइन अलग है। इसमें जो है शोकर है, और इसमें जो है ये चूड़ियाँ दी हुई हैं, इसमें जो है ये नट बोल्ट टाइप का सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस दोनों का दमदार है। तो भी हम इस तरह से रखते हैं एक बार, मैंने पिछले साल परचेज किया था, इसको भी लगभग 2 साल के लगभग हो गया है समय। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है एक इसके साथ बॉक्स आता है, ठीक है, हम इससे काम कर चुके हैं, ये वीडियो जब हम शूट कर रहे हैं तो ये 1 साल इसको हो चुका है हमारे पास। इसके साथ जो भी आता है, एक तो जो ये अपना बॉक्स आता है इसका, बॉक्स के अंदर उसके साथ आपको एक मिलेगा ये इसका बैग, ठीक है, ये इसी एंडिको का बैग है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं, इंडियाज नंबर 1 रूटर मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरर्स नाउ वर्ल्ड वाइड, 6 मंथ वारंटी के साथ आता है। और इसके साथ जो टूल्स आते हैं, जो संगीत टूल्स होते हैं इसके, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दो तो आती हैं आप एलिंग की, ठीक है, अलाइनमेंट की, और उसके बाद ये कुछ टूल्स आते हैं इसमें के लिए होते हैं, ठीक है। ये एक जो हमारा टिया हो गया, और उसके बाद एक ये हो गया, तो ये सर आते हैं इसमें। बिट वगैरह कुछ नहीं आता रूटर का, आप इस उसमें ना रहे भ्रम में कि इसके साथ कोई बिट आएगा, बिट वगैरह कुछ नहीं आता है सर इसके साथ। और इनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत दमदार है सर,
यहाँ भी ये इंडिगो के, इंडिगो की ब्रांडिंग की गई है इसमें, और एक ब्रांडिंग यहाँ पर की गई। कोई लोकल कंपनी नहीं है दोस्तों, ये अपने इंडिया की ही कंपनी है, और बहुत बेहतरीन जो है इसका परफॉर्मेंस है, क्योंकि मैं तो यूज कर रहा हूँ ना इसको। मैंने यहाँ जैसे बॉश हो गई, मकीता हो गई, या डिवॉल्ट हो गई, या उस तरह की कंपनियों का भी हमने यूज किया टूल्स, लेकिन इतने महंगे टूल्स परचेज करके हमको क्या फायदा है? अगर हमें हमारे ही देश की कंपनी अगर अच्छा प्रोडक्ट हमें दे रही है, तो यार हम बाहर क्यों जाएंगे? मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अभी लेके आया हूँ और अभी आपको बता रहा हूँ। सर मुझे एक साल इसको यूज करते हो चुका है, और दो साल हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे तो सर बहुत पसंद है, और मैं आपको बता दूं कि इंडिगो सिर्फ रूटर ही नहीं बनाती, चुनिंदा और भी टूल्स बनाती है, जैसे हैमर ड्रिल मशीन हो गई, ग्राइंडर हो गया, मार्बल कटर हो गया, वुड कटर हो गया, ब्लोवर हो गया, क्योंकि इनका रूटर बहुत फेमस है। इंडिगो को जो है रूटर बहुत फेमस है, इसलिए ही जो है मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती है, बाकी टूल्स जो है इनके कम आते हैं मार्केट में अभी, मतलब सभी प्रकार के टूल्स अभी इन्होंने मैन्युफैक्चर नहीं किए हैं। मैं आपको एक बार इसको चला कर भी दिखाता हूँ कि ये कैसा परफॉर्म करती है, और ये देखिए आप एक बार यहाँ पर जो है दिया गया है इसमें ये, ताकि अगर हम इसको काम करें, बुरादा होता है लकड़ी का वो हमारे ऊपर ना आए, तो हम इसको यहाँ से नीचे करके डाउन करके, ये एक्रेलिक शीट टाइप की दी गई है, कवर दिया गया है, तो इसको डाउन कर सकते हैं, और जब हम काम नहीं करेंगे तो इसको हम ऊपर कर देंगे यहाँ से। तो फ्रेंड्स आइए मैं आपको इसको काम करके दिखाता हूँ एक बार। ये जो मैंने टेप लगाई हुई है ना, ये कुछ नहीं है, कोई इसमें डैमेज वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, ये खाली मैंने इसलिए लगाई है कि ये वायर है ये मुड़ जाती है ना, तो इससे क्या है कि यहाँ कट लग जाता है वायर में। जैसे मान लो सर्दियां आती हैं, सर्दियों में जो है ये प्लास्टिक हार्ड हो जाता है, तो जैसे वो दबेगा या मुड़ेगा तो कट लग जाएगा उसमें, फिर वहां से हमारी वायर डैमेज होने का खतरा रहता है, इसलिए मैंने ये मास्किंग टेप इसमें लगाया हुआ है। अभी मैं इसको प्लगइन कर देता हूँ, और एक इसमें एक एलईडी लाइट भी दिया गया है यहाँ पे छोटा सा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी, जब ये मैं इसको प्लगइन करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर कभी हम अंधेरे में या रात में कहीं काम कर रहे हैं, तो ये सीधा वहीं पर जहाँ पे हम काम कर रहे हैं ना, वहीं पर इसकी लाइट पड़ती है सीधा बिट के पास, तो ये भी इसमें एक बहुत अच्छा फंक्शन है कि आप इससे कुछ भी हैवी से हैवी काम कर सकते हैं, ठीक है, हैवी ड्यूटी मशीन है ये। इसको साइड में करते हैं, इसको भी दिखाऊंगा मैं अभी आपको चला के, दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों आप इसका जो काम है अभी, इसमें ये मोल्डिंग वाला हमने बिट बांधा हुआ है, ये जो है आपका हाफ जो कॉर्नर अपना आता है उसको लगाया हुआ है, और सफाई भी अच्छी रहती है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। चाहे आप इससे मोल्डिंग बनाओ, या आप इससे जो हमें ग्रुप निकालना पड़ता है दरवाजों में, जो भी हमने काम करना है वह हम कर सकते हैं इससे, हम इससे मोल्डिंग बना सकते हैं या मार्जिन बना सकते हैं, जो भी काम कारपेंटर भाई करते हैं एक रूटर से आपको निराश नहीं करेगा ये। इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है, और सेम इसको भी मैं एक बार आपको प्लग इन करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स इसमें जो है कोई एलईडी लाइट भी नहीं दी गई है, क्योंकि ये इनका पुराना मॉडल है आ रही है अभी, ठीक है, ये थोड़ा पुराने मॉडल का है, दो साल लगभग इसको हो गए, तो इसमें कोई एलईडी लाइट नहीं। मतलब परफॉर्मेंस तो क्या ही कहना है इसका, बहुत गजब परफॉर्मेंस देती है मशीन इंडिगो की ना। मैं तो अभी भविष्य में और भी जो हम मशीनें परचेज करते हैं ना, जैसे मान लो हम वुड कटर परचेज कर रहे हैं, ठीक है, 10,000 का, 20,000 का या उस तरह का, तो हम अपने देश की कंपनी का अपना जो भी है वो परचेज करेंगे, चाहे वुड कटर हो या जो भी मशीन इंडिगो बनाती है, क्योंकि इसने हमारा विश्वास जीत लिया है, ठीक है। नंबर वन इंडिया की रूटर कंपनी है ये, रूटर मैन्युफैक्चरर, और सर मतलब बजट में आने वाले टूल्स बना रही है ये, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा। अब बाहर की कंपनियां हैं तो उनको फिर टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ रहा होगा, या उस तरह से कुछ भी उनके जो बिजनेस के टर्म्स होंगे या जो भी कमीशन होंगे वो अपना पूरा कर रहे होंगे उनको, लेकिन ये हमारे देश की कंपनी है कि अगर ये मशीन कहीं
फॉरेन कंट्री से अगर इंपोर्ट होके आती तो इसका रेट कम से कम मिले तो 15,000 के आसपास होना था। चाहिए तो आप अमेजोन से जाके परचेज कर सकते हैं या नियर बाई शॉप से जाके भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। बॉडी इसकी बहुत है तो प्लास्टिक की, लेकिन है मजबूत, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बॉडी भी कमजोर है, या और इसकी बॉडी तो और भी ज्यादा दमदार है क्योंकि इसमें डबल कवर है ना, एक तो ये कवर है, ये कवर, उसके बाद एक और कवर है, ठीक है, और ये भी है, ठीक है, और इसकी भी जो है बॉडी बहुत दमदार है दोनों, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक हमने इसके कार्बन भी चेंज नहीं किए हैं, एक साल इसको हो गया, इसके एक बार कार्बन चेंज किए हैं। तो जानकारी दे दी कि टूल्स जो है वो क्या क्या इनके साथ आते हैं। अगर आपको इंडिगो के किसी और प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए या वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह हम टूल्स से, वुडवर्किंग टूल्स हो या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टूल्स हो या फिर फैब्रिकेशन में जो इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं उन जानकारी हम देते रहते हैं, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड हम जानकारी देते हैं अपने चैनल पे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा पेज है रॉयल इंटीरियर वुडवर्किंग एंड फैब्रिकेशन, उसको लाइक कर सकते हैं।